साथियों, राजस्थान सरकार के बेरोजगारों के लिए एक सहायता योजना है जो अनुप्रति कोचिंग योजना है, जिसमें आपको कोचिंग करने के लिए सहायता मुहैया करवाई जाती है। आपको कोचिंग की पूरी फीस वगैरह मिलेगी, फ्री कोचिंग एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो उस संबंधी जो 17/2022-23 है उसके नवीनतम आदेश जारी हो चुके हैं। तो इस बार क्या बदलाव है, आपको कैसे अप्लाई करना है, किस प्रकार से आप कोचिंग कर पाएंगे, किस कोचिंग के लिए आपको कितने रुपये की आपको सहायता मिलेगी, इस संबंधी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कौन कौन सी कैटेगरी है, जितनी भी ए टू जेड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से यह आदेश है, ये जारी कर दिया गया है। साथियों, यहां पर जो आपको कोचिंग्स करते हैं, राजस्थान सरकार की योजना है जिसमें स्टूडेंट्स को यहां पर कोचिंग के लिए जो सहायता है वो मुहैया करवाई जाती है। कोचिंग, फ्री कोचिंग आपको इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। तो कौन सी कोचिंग के लिए, कौन सा कोर्स आपके लिए, मतलब कितने पैसे आपको उसमें सहायता मिलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं एक बार आपको दे देता हूं। जैसे अगर आपकी कोई कैंडिडेट से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको अगर प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग करता है 75,000, बाकी अन्य से 50,000 रुपए की सहायता आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप यहां पर ये पूरी टेबल है, हर भर्ती के लिए आपको इसमें से आपसे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक वर्ष की आपके कोचिंग रहने वाली है, 2 वर्षों तक आपके स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 70% अंक है तो आप यूपीएससी के लिए कोचिंग के लिए आवेदन है वो लगा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, कोचिंग की लिस्ट वगैरह भी मैं बात आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूं। उसके बाद जैसे मान लो आप आरएएस की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपको जो प्रतिष्ठित कोचिंग में जाते हैं बड़ी में 50,000, बाकी में 40,000 और 12वीं में 65% अंक और अंतिम ग्रेजुएशन के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हैं तो आप इसका जो लाभ है इसका उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आरपीएससी द्वारा जो वैकेंसी करवाई जाती है उसके लिए भी 20,000 है। उसके बाद रीट परीक्षा के लिए मान लो कोचिंग करते हैं, 4 महीने की कोचिंग मिलेगी, 15,000 रुपये की आपको सहायता रहेगी। कक्षा 12वीं में 50% बीएड या एसटीसी होना चाहिए। उसके बाद मान लो आप पटवारी है, कनिष्ठ सहायक है, 2400 ग्रेड पे है, 3600 के बीच वाली ग्रेड पे की तैयारी करते हैं तो आपको 10,000 रुपये, कॉन्स्टेबल के लिए 10,000 रुपये। इसमें ये जो साइट में योग्यता ये भी देख सकते हैं आपको 4 महीने 2 महीने कितने कितनी कितनी कोचिंग्स की आपको यहाँ पर सहायता दी जा रही है। क्लेट के लिए आपको 1 साल की कोचिंग दी जाएगी। उसके बाद CAFC CCS ET, इस प्रकार से पूरी कोचिंग्स की यहाँ पर ये लिस्ट है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपको सरकार की तरफ से क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो इच्छुक जो कोचिंग संस्थान है उनके लिए यहाँ पर ये पूरी निर्देश दिए हुए। हम चलते हैं सीधे अभ्यर्थियों के निर्देश में ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे उसमें क्लियर हो सके। तो कोचिंग संस्थान का जो काम है वो तो उनकी तरफ से हो जाए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो मतलब यहाँ पर आपको जो अप्लाई करना होगा वो कम्प्लीटली आपको इसमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग रहने वाली है। विभाग द्वारा जैसे विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया, तो विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई मित्र एवं SSO ID जो होगी आपके द्वारा, उसमें आपको जन आधार पोर्टल जो जन आधार कार्ड का डाटा वहीं वहाँ से डिटेच होगा तो उससे फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अभी जो फॉर्म निकले नहीं है, जैसे ही फॉर्म निकलेंगे अनुप्रति कोचिंग योजना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट दे दूंगा। तो चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, यही बेनिफिट है, हर खबर आप तक पहुंच पाएगी। उसके बाद जो निर्धारित पात्रता अनुसार आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, उसके बाद मेरिट जारी होगी। वहां पर आपको जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि आपको कैटेगरी अनुसार आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो उसमें आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे और आपको जन आधार से मतलब आपको सत्यापित उसमें मतलब अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग है तो प्रस्तावित परीक्षा का नाम आपको वहां पर बताना होगा। सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान जो वहां पर आपको मतलब सूची मिल जाएगी, आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप कौन से कोचिंग में जाना चाहते हैं तो वो आपको लिस्ट में से आपको उसमें कोचिंग चूज करनी है और आपको जिला मुख्यालय पर जो अच्छी ठीक ठाक कोचिंग्स हैं उनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या कोचिंग्स पर डिपेंड करता है कि वो इस योजना से सरकार से अटैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उनकी भी प्रोसेसिंग है। अगर वो आपकी जिस कोचिंग में आप जाना चाहते हैं वो अगर अटैच है तो आपको वहां पर उस लिस्ट में नाम देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद निर्धारित अंतिम तिथि तक कोचिंग संस्था परीक्षा का नाम परिवर्तन करने हैं तो विकल्प उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार से ये बात है। फिर आपको मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी और शैक्षणिक सत्र में आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होगी। जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे और उसमें फिर आपको वहाँ पर जो फंड जो लाभ है वो आपको कोचिंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान राज्य के SC ST OBC EWS और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके कैंडिडेट्स कर सकते हैं। माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से आपकी कम होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो L11 से कम की पोस्ट पर अगर वो कार्यरत हैं तो वो उसमें ज्वाइन हो सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ लिया हुआ नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा वार जो सारी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, बाको आपको पूरे दस्तावेज अपलोड करने होंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट से लेकर सब कुछ, और इसको अपलोड करने के बाद फिर अगर आपका मेरिट में आपका नाम आता है तो आप उसमें ले पाएंगे। आवास भत्ता है तो भी यहाँ पर प्रस्ताव की बात की गई है। UPSC CS जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको आवास छोड़कर अन्य शहर में अगर आप रह रहे हैं तो आपको उसके लिए एक मुश्त राशि भी वहां पर मुहैया करवाई जाएगी। तो कोचिंग संस्थान उक्त दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर हॉस्टल अलाउंस विकल्प में अभ्यर्थी के दस्तावेज में अपलोड करेंगे तो उस हिसाब से आपको वहां पर भुगतान किया जाएगा। हालांकि उसमें अलग अलग दरें हैं, उस प्रकार से आपको उसमें भुगतान मिलेगा क्योंकि सिटी वाइज उसमें
काफ़ी चीज़ें अलग अलग उसमें देखने को मिलेगी। तो आप कम से कम फ्री कोचिंग से और जो हॉस्टल अलाउंस की जो सुविधा है उसका लाभ अच्छे से ले सकते हैं साथियों। यहाँ पर इस प्रकार से ये पूरी राजस्थान सरकार की अच्छी योजना है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी। पूरे राजस्थान में साथियों टोटली 15,000 कैंडिडेट्स को ये मतलब कोचिंग सुविधा का लाभ मिलने वाला है कैटेगरी वाइज। तो आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट तैयार करके ऑनलाइन आवेदन आपको इसमें अप्लाई कर देना है। बाकी मोर देन इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आते ही तुरंत आप तक उपलब्ध करवा दूंगा। इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब संबंधी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।